सलामुअलैकुम आदाब, मैं हूं यूसुफ अली, आप देख रहे हैं सैफ न्यूज लाइव। आइए देखते हैं आज की खास खबर। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको कहा था कि वसई के भ्रष्ट नायब तहसीलदार प्रदीप दामोदर मोकणे, इनके भ्रष्टाचार को खोलने के लिए मैं जितना हो सकेगा उतना इस सीरीज में वीडियो करूंगा। तो उसी कड़ी में आज का मेरा है, मेरे साथ में प्रतीक पाटिल बैठे हुए हैं, इनका मैंने भी बयान लिया है, वो आप आगे सुनेंगे कि क्या कुछ कहना है इनका। इन्होंने खुद जाके एंटी करप्शन में ये पत्र दिया है और उसमें इन्होंने ये सीधे सीधे इस पत्र में लिखा है कि इनसे भी 10 लाख रुपए की मांग इस प्रदीप दामोदर मोकणे ने की थी। इनका ऐसा कहना है कि इनकी जमीन किरण सिंह मांगीलाल राजपुरोहित ने एक जमीन खरीदा था जिसके ये पावर ऑफ अटॉर्नी होल्डर है और इनका वहां पर दावा होने के बावजूद कुछ हरकत ही था उस जमीन के ऊपर। तब मामला इसी प्रदीप दामोदर मोकणे की कोर्ट में गया और वहां जाकर प्रदीप दामोदर मोकणे ने जानबूझकर मामले को लटकाया। और इतना ही नहीं, जब एक दावा एक केस चल रहा है उसके बावजूद उसी जमीन पर उसी जमीन के उसी हिस्से पर दूसरे थर्ड पार्टी किसी का नाम और उसको बेचकर उसका नाम चढ़ा दिया गया, तो ये एक घोटाला और यहाँ उजागर होता है। प्रतीक चौधरी जी का पहले ही मीडिया में वायरल हो चुका है, आज हम इनसे प्रत्यक्ष मिले हैं। तो ये कड़ी में आपको मैंने बताया था और यहाँ आपको और बता देता हूँ कि इसके आगे का मेरा जो वीडियो है वो आप जरूर देखना, क्योंकि इसको भी जितना हो सके शेयर करना, आपके शेयर काफी आवश्यक है ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों को इनकी जगह से हटाने के लिए। क्योंकि जब तक ये जो वीडियो है पब्लिक में नहीं जाएंगे तब तक और लोग ऐसे केसेस सामने नहीं आएंगे। तो मैं ये बोल रहा था कि इसके आगे का वीडियो जरूर देखना। मैंने 2 दिन पहले ही एक कहा था कि जो सेतु का कॉन्ट्रेक्टर है उसको लेकर मैं बहुत बड़ा खुलासा करने वाला हूँ, तो उस बारे में उस वीडियो में मैं आपको जरूर बताऊंगा। अभी के लिए इतना ही, आगे सुनिए प्रतीक पाटिल जी के क्या विचार है। नमस्कार, आपका नाम क्या है? प्रतीक अरुण पाटिल। मेरी जानकारी ऐसी आई कि आपने एंटी करप्शन ब्यूरो को नायब तहसीलदार प्रदीप दामोदर मोकणे के खिलाफ कुछ कंप्लेन दिया है, क्या बताएंगे? हाँ, मैंने कंप्लेन दिया है नायब, तो ये जो कंप्लेन है देखो, ये एंटी करप्शन ब्यूरो थाने को उसमें मैंने कंप्लेन दिया। एक कंप्लेन ये है कि नायब तहसीलदार मोकणे ने मेरे जब मैंने जमीन खरीदा है आडने गाँव में, उसका केस उनके पास चल रहा था, वो केस का निर्णय मेरे बाजू से देने के लिए उन्होंने मुझे 10 लाख रुपए मांगे। कब की बात है ये? 8-10 महीना हो गए। तो विषय क्या था, आपके बाजू में वो निर्णय क्यों नहीं दे रहे थे? मैंने ताकि रजिस्टर करके जमीन खरीदा है क्षेत्र से, पर मेरा उसमें मेरा हरकत चल रहा था, क्षेत्र के भाई ने हरकत दिया था, वो हरकत का केस नायब तहसीलदार मोकणे के पास चल रहा था। उसे हम लगातार तारीख दे के कम से कम 2 साल उन्होंने केस चलाया और दो साल चलाने के बाद वो निर्णय नहीं दे रहे। जानबूझ के 6-8 महीने से केस बंद करके वैसा ही रखा था और मेरे से 10 लाख रुपए का मांग किया था। तो मैंने उनको बोला आप जो मेरिट पे है वो निर्णय दे दो, जो मेरिट पे है वो दे दो आप। इस 6-8 महीना मैं रोज फेरी मारता था तो बोलो नहीं अभी नहीं हुआ है, फिर तलाटी को भेजा है, फिर मैंने सर्टिफाइड कॉपी का अर्जी किया, अर्जी करने के बाद मैं उनके पास गया तो बोले अभी निर्णय दिया नहीं है, ऐसे ही मतलब वो घुमा रहे थे मेरे को। और उसके दरमियान उन्होंने क्या किया, उन्होंने किया कि शेतकरी ने किया पता नहीं, वही जमीन तीसरे को भेज दिया और उसका नाम चढ़ गया। ताकि उसका नाम कैसे चढ़ गया वो मुझे आज तक नहीं पता चला। वो केस उनके ही पास, इनके रेवेन्यू के पास ही अगर केस चल रहा है और इनके ही आदमी वही जमीन में वही हिस्सा नंबर वही सर्वे नंबर में अगर दूसरे का नाम चढ़ा रहे तो कैसे चढ़ा रहे? वो क्या दूसरे का नाम चढ़ाने के लिए कितना पैसा लिया वो पता नहीं, मेरे से 10 मांगा था, इन्होंने 20 लिया कि 25 लिया वो पता नहीं। आप ये सीधा सीधा आरोप लगा रहे हैं, आपका ये कहना है कि आपने जिस जो जमीन खरीद के लिए पैसा दिया था उस जमीन पर इन्होंने आपका नाम नहीं चढ़ाकर तीसरे का नाम चढ़ाया, क्योंकि मैंने 2017 में जमीन खरीदा था। और ये नाम कब चढ़ा है नया? हाँ, ये नया नाम चढ़ा है 2019 में। पहला रजिस्टर मेरा है तो मेरा नाम एटलीस्ट मेरा केस का निकाल तो देना चाहिए, मेरा निकाल लगने के पहले ही दूसरे का नाम चढ़ा दिया इन्होंने। आपने इसकी वरिष्ठों को कहीं पे कंप्लेन किया? मैंने इनकी जिला अधिकारी में कंप्लेन की थी कलेक्टर साहब के पास, ये मोकणे साहब
केस में निर्णय नहीं दे रहे। तो कलेक्टर साहब ने वो क्या किया, उसके बाद मैं उनके पास गया था कि आपका कंप्लेंट मैंने दिखाया उनको, मैंने आपका कंप्लेंट किया है, आप अभी तो निर्णय दे दो। फिर बाद में पता चलता है कि 2 महीना पहले का बैक डेटेड डेट डाल के फिर निर्णय दे दिया, बोलते निर्णय दे दिया हमने। अभी क्या परिस्थिति आपके मामले की? अभी जो थर्ड पार्टी का नाम चढ़ा हुआ है जमीन पे, अभी मैंने प्रांत ऑफिस में अपील किया है उसके खिलाफ में, प्रांत साहब के पास, एनजीओ साहब के पास। कब फाइल किया है आपने अपील? अभी मेरा 2 महीना हो गया फाइल किया है, मेरा 2 तारीख गिरा था उस दिन, उस दिन प्रांत साहब नहीं थे एनजीओ साहब, तो मेरे को 20 जुलाई का तारीख मिला है। आपकी क्या मांग है? मेरी मांग यही है कि मुकने एक भ्रष्ट अधिकारी है, मुकने ऐसे मेरे जैसे बहुत लोगों को तकलीफ है ये तालुका में, वसई तालुका में, हर किसी को पैसे के बिना ये निर्णय देता नहीं है, मेरा ये क्लियर आरोप है। और ये 10वीं फेल है, ये क्या लोगों को, जनता का ये केयर करेगा, जनता को क्या न्याय देगा, ये 10वीं फेल आदमी क्या जनता को न्याय देगा? 10वीं फेल को कभी निर्णय कोर्ट, इसको ये कोर्ट चलाता है, कोर्ट चलाने का अधिकार रहता है, उसका सर्विस बुक का रिकॉर्ड, उसका स्कूल का सर्टिफिकेट सब मैंने दिया एंटी करप्शन को, इसके ऊपर चौकसी होना चाहिए और इसके ऊपर जो कार्रवाई होना चाहिए, ये मेरा मान है। और ये कार्रवाई नहीं हुआ तो मैं कलेक्टर ऑफिस में उपोषण भी कर सकता हूँ और मैं हाईकोर्ट में रिट पिटीशन दाखिल करूंगा। हमारे चैनल सेफ न्यूज लाइव पे अपने व्यापार एवं सेवा से संबंधित विज्ञापन हेतु मोबाइल नंबर 7385952786 अथवा 7738267786 पर संपर्क करें।